अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल कर्णप्रयाग, जिला चमोली, उत्तराखंड। कहा जाता है कि महाराजा कर्ण ने यहां पर सूर्य भगवान की कठोर तपस्या की थी। वरदान के रूप में उन्हें रक्षा कवच और तरकश प्राप्त हुए। दो नदियों के प्रयाग और महाराजा कर्ण के नाम को जोड़कर इस जगह को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना गया। हमारी दूरदर्शन टीम का यहां पहुंचने का खास उद्देश्य है गढ़वाली नाटक बणोमर रामलीला का फिल्मांकन। आप सबको आज के ये नाट्य उपस्थापना कार्यक्रम को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। आज आप सब लोग हमारे दर्शक पहले दर्शक बन रहे हैं इस नाटक का उपस्थापना, इसीलिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वयंभू सोशल फाउंडेशन जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम का जो संगठक है, वो संस्था इस विश्व का परिवेश के लिए चिंतित रहा है। और ये जो नाटक आप देख रहे हैं, ये 7 दिन का कर्मशाला जो होता है वो कार्यशाला का प्रस्तुति है। और इसमें जो शामिल हुए हैं ये यहीं के लड़का लड़कियां काम किया। ये जो नाटक होगा ये इसी भाषा में, गढ़वाली भाषा में ही होगा। Thank you.
Ha 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 ha!
भाई, दिखो यार भाई। अच्छा दिखो बता, लाओ यार भाई। हाँ हाँ हाँ, ले ले ले। कौन भी दिखो यार, कौन मैं तो अबला हूँ भाई। ले ले। एमा एमा एमा, तू खोला कि मैं बैठ। मिलिट्री नौकरी हो चाहे फौज नौकरी, काम आसानी और बात ठीक से थोड़ा बहुत पैसा भी मिला, पर बतिया भी ठार नहीं। हम जखे भी जानना जन जे भी गोमा जान अपन गोजन मजा कखी नहीं उन किले, ये गोमा तो सब मालिक छे, मालिक और नौकरी कन छे, पर नौकरी में तो हम नौकरी जान छे। दगड़ यार, तो तू किले गो था फौजी नौकरी में? अरे यार, तू तो पता है ना ये घर है पारिवारिक कंडीशन, बुबा पहले चले छी माँ घर में अपन में बिल्डिंग ले रही थी, तब अरी मीन सोचे नहीं कि जान तो केवल फौज में जान, वे बात मी फो में फो माई वे बात मी दन भाव उछल कूद उछल कूद उछल कूद सब चीज में भी पहले बैठी परफेक्ट थी। अरे तुम लोग आओ जन मुश्किल हो सके ना, पर मियो नहीं थी और भगवान है कृपा से मी मम गई थी सब नगर। या तुम भी घर छेड़ दो ये जन मेज का मैं के चार पांच हीरो मर जाता। अरे अरे की रहना भाई, जरूर भाई जरूर। अरे भैजी, हमारा गुरु मर जाना भैजी। किले भाई, अरे यू युद्ध देश की रक्षा करना खातिर सीमा पर पहरादारी करनुच, और यो विदेशी हमारा गुरु बच्चों पर आक्रमण करना छिन। अरे ये भी क्या बात है भाई, मेरे भागी भाई कौन है कारण तुम तो मालूम हो जाए कि कोई खतरनाक बात छ भाई। क्या बात है भाई? बात इंच की रावण सीता हरण कर ली। ये जमाना माँ सीता रावण कख दे भाई, और बात ठीक की पहले तो रामला पार दिले, मगर भाई रामला खत्म हुए तू कब पागल दिनी हुए तेज आग की पिंडली। ए फे फे रुक 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 रुक, अरे भगवान बुद्ध जी ये वैज्ञानिक कह रहे हो सब पागल जी पागल, यू मिनी भी ना यू तबेले को समाज बन जी पागल जी पर सुन ले। चलो भाई तुम बोला के बोले दगड़िया, ये पॉइंट कौन वाला लड़ाई है मेरा, ये बुद्ध वैज्ञानिक क्या ले लियो इन सब तो हमू क्या कोण तो कोई बात नहीं, ये बात सुन ले लो। हमुन जन बड़े नीच लेकिन हम पागले चार तुमते कुछ बताऊं चाहना कि हमारे जंगल में तुमते रावण व सीता माँ मिली ली। ये युगमा माँ सीता रावण कब देख भाई, हमू हमारा गाँव में और मैं समझवा हमारी माँ छे, हमू तो हमारी गाँव माता सीता माता छे, और यू चिड़ा जंगल सभी जगह रावण चार फैली गए, और तुमते यो हमारे गुरु थे बचरू थे घास नहीं पानी नहीं कुछ नहीं, और तुम्हारे दिमाग में यह बात क्या ही आ रही छी भाई। अरे 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 बैठी 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 ए बैठी 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 दगड़िया, कुछ तो कौन बोलू भाई, बात ये बिल्कुल ठीक ही छी, चल दखन को करने वे क्या वेगी चल। Thank you.
तू यो गुरु बंद मस्ती लगाई
इन्हें मदद करा, प्रभु इन्हें मदद करा, संभाला प्रभु इन्हें संभाला, प्रभु प्रभु इन्हें संभाला। Maa.
राम राम हरि राम 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 हरि राम 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 हरि 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 राम 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 हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम राम वो जो दोस्त बना के तुम ले जाएगा, क्या बात है भाई? देख भाई,
दुनिया में अच्छाई बीच बुराई बीच बुराई कभी नहीं जीती। हाँ रावण जथ्या भी शक्तिशाली रेवुल जथ्या भी बुद्धिमान रेवुल जथ्या भी धनवान रेवुल लेकिन सो हालू कि लेकिन तेन सीता माता पर गलत नजर डाली गुरु करी। हाँ हम श्री रामचंद्र जी ने काम करन यार श्री रामचंद्र जी जी तो जीत कन कन है उन्हें मदद कर प्रकृति जटायु पक्षी हनुमान बांदर और लक्ष्मण लक्ष्मण तो मरते मरते बेच कन कन है उन्हें बोना दाबाटू जाल हम जंगलात बा उन्हें रक्षा करन भारत में संविधान बाद भी आ तक शासक अशासक नहीं ये ने संबंध हुंचे। अरे वाह अबे तुम बिल्कुल सही बात किन फेरी को अबे सही बात भाई ये तक नौकरी कौन भेज चले जा हम तो ये शासन बोलो जो ये सब सही बोलो ना सब उल्टे भेजा त्यो क्या जानू जन ये माँ आग बुझा दे बुझा दूंगी वन हमारा हाल बोल भाई सब लोग गो के भले के बारे में बात कर पर गो में कति का लोग मर रहे सब तो बहर चले जाते नौकरी के अंदर वास्ते तब गो में को बस दो बुढ़िया बुढ़ी नैन नॉन जमरा द्वारा भेजी महिला वर्ग की तरफ बात कर चाला तुम। हाँ हाँ तुम बताओ तुम बताओ भैजी सबसे पहले तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हम ही ना कोई सरकारी कागज चाहिए ना कोई घोषणा पत्र चाहिए ना कोई तुम्हारे प्रमाण पत्र चाहिए तुम काम करके दिखो ना तभी तो हम तुम पर विश्वास हो लो। वाह तागिन चुप रहो मुझसे बात कर तू जा जाओ जा। अरे ए भाई तू अभी कौन चुप तो अभी पूछ ना भाई काम करो भैर चले चल सुरोड़ी तो ये खेल ना ए लोड़ी तू बोल तू बिल्कुल चुप चुप भैजी अभी तो तुम हमें चुप हो चुप कर दे ला लेकिन बाद में तुम हम ही तो करना पड़ा लो जमलात वाला भैजी हम भी तुम्हारे कब्रे आग बुझाने में तुम्हारे साथ दे ला घास को अभी मिलो नहीं पता भाई तुम देखा आके के माँ मोरी भाव हम बहुत अगले मोड़ जाए तुम देखा तुम सोचा मित्र चली नारायण 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 भाई ये तो नारायण 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 बोलो बोलो गीत भाई बंगोली सुना हमारे जंगल में रावण वा सीता माँ मिल ली अभी तुमने नारद मुनि देखी। अरे मीता पक्कू मन बनाए नहीं ये रावण दे लड़े खून को ए रावण बीच में सीमा पे ढूंढो मैं सब उसे दे से रख सकूँ अमी गौर मु ये रावण रूपे जिले लड़े खोलो ए रावण तैयार हो रे ज्यादा दस सीट सुना दस सीट हमारे सौ सीट सौ ए रावण तैयार हो रे तैयार हो चला चला रावण के ढूंढा I'm
आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये जो नाट्यशाला नाट्य कार्यशाला हमने आयोजन किया था 5 जून को, इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। एकदम ए प्लस प्लस बोलूँगा तो कमी नहीं होगा। तो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो पश्चातल भूमि है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से जब हम इस रास्ते दिल्ली से यहाँ कर्णप्रयाग आते हैं तो ये दोनों तरफ के पहाड़ों में हम को आग देखने को मिलता है। और ये आग जो है ये कुछ अपने आप लगने वाला आग नहीं है, इसको लोगों ने लगाया और शायद वो चाहते हैं कि अपनी ज़मीन में जो पारुल गिरा है उसको आग लगा के जला दें, लेकिन ये पारुल का आग जो है ये कभी बुझता नहीं है। ये कम से कम 24 घंटा 48 घंटा ज़मीन के अंदर रहता है और फिर एक हवा आता है तो फिर वो चारों तरफ फैलने लगता है। लोग सोचते हैं कि हमें घास चाहिए, अपने गाय के लिए घास चाहिए, भैंस के लिए घास चाहिए, लेकिन सबके जान जोखिम में पड़ता है। वही गाय भैंस जो गौशाला में रहते हैं उनके पास आग पहले पहुंचता है, फिर उनके अपने घर में पहुंचता है, फिर जब आप उसको बुझाने लगते हैं तो कभी कभी आपका अपना जीवन भी चला जाता है। रतुड़ा गांव में ऐसे हुआ है। तो ये एक भयानक परिस्थिति है, इसमें से हमें निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है। तो हमने ये एक अवेयरनेस क्रिएशन जो है बोध बढ़ाने का लोगों के बीच में, उसका ये कार्यक्रम नाटक के माध्यम से हमने रखा है। ये वनाग्नि हटाने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। 2023 के जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब आएगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम ये चमोली का जिला वनाग्नि मुक्त हो जाएगा। इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पोस्टर कंपटीशन, उसका एग्जीबिशन भी 5 तारीख को हुआ था और वो एग्जीबिशन हम सारे गांव में लेके जाएंगे। तो उसमें जो पहला इनाम मिला है कुमारी सोनिया गोचर से, कुमारी प्रतिभा सेकंड प्राइज, कुमारी खुशबू थर्ड प्राइज। माटी का संग मां ये बोड़े हमारा।